और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आता है तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगा, चला जा भोसड़ी के। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अब के टाइम में स्मार्टफोन कंपनीज इतने सारे 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्मार्टफोन लें और कौन सा स्मार्टफोन छोड़े। तो इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000। तो भाई आपके पास ₹20,000 होने के बावजूद भी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ हो, क्योंकि कई बार क्या है कि शॉपकीपर आपको 4G स्मार्टफोन पकड़ा के ही बोल देता है, पहली फुर्सत में निकल। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको क्या लेना है, क्या से मतलब स्मार्टफोन। ओके ओके, थैंक यू। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने घंटे को भी जोर से दबा लो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाई सबसे पहला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है एक नॉन चाइनीज ब्रांड की तरफ से, जो अपने देश के लिए वोकल फॉर लोकल होना चाहते हैं। तो भाई इस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग M34 5G। और भाई सैमसंग का जो हार्डवेयर है वो काफी ज्यादा पावरफुल आता है और काफी क्लीन और सेफ UI आपको ऑफर करता है, जिसकी वजह से आपको फोन को चलाने में ज्यादा दिक्कत को फेस नहीं करना पड़ेगा। 5G वाले पॉइंट की बात की जाए तो इसमें आपको 11 बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा, यानी कि 5G की जो टॉप स्पीड है वो आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगी। परंतु हम ओनली 5G को देख के ये स्मार्टफोन बाय नहीं कर सकते, और भी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो भाई इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और भाई आपको तो पता ही है कि सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले किस लेवल का काम करती है। एंड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, जिससे आपको आउटडोर में काफी सही परफॉर्मेंस मिल जाएगा। डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप सेफ एंड सिक्योर स्मार्टफोन रख पाओगे अपना। वहीं अगर चिपसेट की मैं बात करूं तो सैमसंग का एक्सिनोस 1280 चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, जो 5 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, और ये आपको एंड्रॉयड 13 के साथ मिलेगा, जो अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 14 में। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे आप मैक्सिमम 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, और साथ ही मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, और इससे आप फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और इसको चार्ज करने के लिए 25 वाट का एक एवरेज चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन। सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपको साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, और इसका जो 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरियंट है वो आपको 15,000 से 16,000 के आसपास मिल जाएगा, और अगर आप बैंक ऑफर्स को अप्लाई करते हो तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और भाई इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ एक 5G स्मार्टफोन मिलना काफ़ी बड़ी बात है, तो भाई लिंक नीचे है, बाई कर लो। लिस्ट का नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से, और भाई साहब ये एक नया स्मार्टफोन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसका प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो भाई सबसे पहले तो 5G क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसमें आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा, और अगर इसके दूसरे फीचर्स की मैं बात करूं तो 6.67 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 1800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 68 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिस्प्ले इस लेवल तक का काम करेगी जो आपके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड रहेगा। चिपसेट की मैं बात करूं तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Zen 2 चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, जो 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, और ये आपको एंड्रॉयड 13 के साथ मिलेगा, जो अपग्रेडेबल है एंड्रॉयड 14 में। और भाई अगर आप स्मार्टफोन के साथ गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो तो इजीली वेरी स्मूथली कर पाओगे। इसके अलावा कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे आप मैक्स टू मैक्स 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, और सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 5100 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा, और इसी के साथ सिक्योरिटी पर्पस के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP54 डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन इत्यादि फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। तो भाई स्मार्टफोन के फीचर्स का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा शानदार है, अगर आप 20,000 से 1-2,000 रुपए ऊपर पे कर सकते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा, परंतु बैंक ऑफर्स अप्लाई करने के बाद आपको ये 20,000 रुपए से नीचे भी मिल जाएगा। एंड स्मार्टफोन का नाम है लेटेस्ट पोको X6। नेक्स्ट जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी नाजो 60, और इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है। डिवाइस में आपको 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाएगा, जो हमारे दो पिछले स्मार्टफोन्स के मुकाबले थोड़ा लूज है,
परंतु इसने अपने अदर फीचर्स के कारण हमारी लिस्ट में जगह बनाई है। अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और भाई चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020 चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर के फेब्रिकेशन में वर्क करेगा, जिसकी हेल्प से अगर आप स्मार्टफोन के अंदर एक एवरेज गेमिंग करना चाहते हो, नॉट हार्ड बट एवरेज गेमिंग, आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे देगी। कैमरा सेटअप में 64+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिससे आप मैक्स टू मैक्स फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड वहीं सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाएगा। ओवरऑल ये स्मार्टफोन भी काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको मिलता है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप वहाँ से जाके इन तीनों स्मार्टफोन्स को बाई कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से, अपने यूजेज के हिसाब से। बाकी डिसाइड आपको करना है कि आपको तीनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन लेना है। अगर आपको ये स्मार्टफोन्स पसंद नहीं आए तो 2-3 स्मार्टफोन्स के लिंक मैं आपको नीचे और दे रहा हूँ अल्टरनेट्स के, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आता है तो भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा।